हेलो, वेलकम टू ऑल स्टडी विद प्रदीप पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या यूपी टीपीएससी का किसी भी पेपर का हो, उसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसके तहत प्रैक्टिस सेट आप करते हैं। एग्जाम कैप्सूल नामक एक सीरीज चलती है जिसमें आप प्रैक्टिस सेट करते हैं। 17वीं सीरीज है। आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों की तारीफ मिलती है, अच्छा लगता है मुझे भी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है आपका आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, आप इसमें से 50 से 52 प्रश्न करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है। कह रहा है अनुनासिकता है। अब बात आती है कि अनुनासिकता किसे कहते हैं। अनुनासिकता का मतलब होता है कि जिन शब्दों के उच्चारण में नाक से वायु नाक से कम, मतलब जब हम बोलते हैं तो वायु नाक से कम और मुख से ज़्यादा निकलती है, ऐसे शब्द को हम अनुनासिकता शब्द कहते हैं या अनुनासिक शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि ये शब्द होता कौन सा है, जो हमारा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो संभालना ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? संभालना आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपको इसका आंसर करना होगा कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी। आप सब जानते हैं कि क ख ग घ ङ एक इसमें आते हैं, कंठ ध्वनि में आते हैं, और छोटा अ बड़ा अ किसमें आते हैं, कंठ ध्वनि में आते हैं। 11 उसके बाद है आपका च छ ज छ ङ, कंठ के बाद तालव्य आता है, तालव्य के बाद क्या आता है, मूर्धन्य आता है, ट ठ ड ढ ढ, और उसके बाद मूर्धन्य के बाद अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, 11 लावा को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आप चारों को जान गए। आपसे पूछा क्या गया, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, क और ख। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। कह रहा है अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, आपको इसका आंसर बताना है। कह रहा है वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का। अब विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो कह रहा है विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, हम पंचुएशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है। अरे वाह, इस शब्द में कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयाद बोधक चिन्ह लगेगा। कौन सा लगेगा, विस्मयाद बोधक, और सिंबल क्या होता है, ये होता है विस्मयाद बोधक। जो अनुनासिकता है उसके लिए कौन सा सिंबल, इसमें क्या है, विस्मयाद बोधक, इसके लिए कौन सा उपयोग आप करेंगे, विस्मयाद बोधक, और सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, प्रश्न पूछ रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर करना है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला व्यवस्थित समूहों को कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूहों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में आप जानते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, जिसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। वर्णों में किसकी बात करते हैं, हम स्वर और व्यंजन दोनों की बात करते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या आपको बतानी कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जैसे संयुक्त व्यंजन है, और उसके बाद आगत ध्वनियाँ हैं, तो उनको भी हम उसमें गणना करते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती, कह रहा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। कितने प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया जो कि शुद्ध लिखा गया, करेक्ट लिखा गया, आपको इसका आंसर करना है। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है, तो क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, जिसमें आपका आंसर क्या सही होगा, तो आपको बताना होगा 46 जो है आपका क्या है, सही है। 46 आपका क्या है, सही है। 46 नहीं होता, 46 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। कह रहा है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली में शुद्ध वर्ण कौन सा है, आपको बताना है कौन सा वर्ण शुद्ध लिखा गया है। तो इसके लिए जो आपका आंसर सही है, श्रुतिलिपि में शुद्ध लिपि कौन सी है, आपको शुद्ध लिपि बताना है, तो श्रुतिलिपि होता है, श्रुति नहीं होता, श्रुतिलिपि होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला, श्रुतिलिपि। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित शब्द है। कह रहा है वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रेखांकित शब्द क्या है, वह यौवन में, यौवन कौन सा शब्द है, आपको इसी को बताना है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। यौवन कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है। यह एक भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जिसमें गुण दशा आप
के जो है ज्ञान इत्यादि का बोध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूची एक में दिए गए संज्ञा को सूची दो में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। आपके पास ये चार विकल्प दिए गए हैं और जिसमें आपको चूज करना है, तो विकल्प अगर लाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने कौन दिख रहा है, तो इसके लिए आपको नीचे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे जुलाई दिख रही है। पहला शब्द कौन सा, जुलाई। जुलाई कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जुलाई हम कहेंगे तो एक ही मंथ का हमको आकलन होता है, एक महीने का जुलाई से और किसी का नहीं, तो जुलाई कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर बात आती मैना, मैना मैना में पूछ रहा है मैना क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये भी सही है। कुंज, कुंज एक समूह है, कुंज एक समूह है, तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट में बताता है पानी, पानी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैना जातिवाचक संज्ञा, कुंज समूहवाचक संज्ञा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों के उपयुक्त सर्वनाम की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि इसमें उपयुक्त सर्वनाम बताना है कि इनमें कौन सा सर्वनाम उपयुक्त लगेगा, सही लगेगा। तो प्रश्न है आपका, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उनको, उनको सहारा दो। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कह रहा है ऐसा कौन सा इसमें युग्म है जो विशेषण नहीं, विशेषण किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन पूछ रहा है विशेषण नहीं है, अब विशेषण में बड़ा छोटा ये भी विशेषण है, किसी संज्ञा कोई चीज़ छोटी है या बड़ी है उसकी विशेषता ही है। हरा पीला रंगवाचक विशेषण है, एक विशेषण का ही हिस्सा है। दो तीन ये भी विशेषण का हिस्सा है, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, विशेषण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पूछा था नहीं आते हैं, तो आपका आंसर सही क्या होगा, राम लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। कह रहा है कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसे आपको बताना होगा। तो किसमें सकर्मक क्रिया है, आपको ये बताना है सकर्मक क्रिया किसमें है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कह रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ये आपको बताना है। वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात जिनका असर सीधा सीधा किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस काम को करने में क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है क्रिया सकर्मक क्रिया है, आपको बताना है इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो उस यहाँ पे देखिए, उसने कार बेच दी, उसने कार बेच दी, क्या बेच दी, कार बेच दी। तो बेचने का मतलब क्रिया का कर्म किस असर किस पे पड़ रहा है, कर्म पे, तो इसलिए इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। उसने कार बेच दी, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। बालक उस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में है। कहला बालक उस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में भरना है आपको, क्या भरना है, बालक उस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्या है, सकर्मक क्रिया है। किसमें पढ़ रहा है, पुस्तकालय में, पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, पुस्तकालय, तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से अव्यय है, कह रहा है कौन सा ऐसा है जो अव्यय है, अव्यय आपको बताना है। अव्यय उसे कहते हैं जिन शब्दों का लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जिसमें आपका उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे उदाहरण आपका बन सकता है। अव्यय का उदाहरण जैसे आप जानते हैं आज, तथा, और, परंतु, इसलिए, इन सब पे कोई असर नहीं पड़ता। आज वर्षा होगी, अच्छी बात है, आज धूप निकलेगी, अच्छी बात है, आज शाम को आधी आएगी, अच्छी बात है, आज तो आज ही है। तो यहाँ पे अव्यय कौन सा शब्द है, आज, तथा, सॉरी, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुआ हूँ, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुआ हूँ, सफल ही हुआ हूँ आज तक। तो रेखांकित शब्द में को पहचाने, कह रहा है रेखांकित शब्द यानी तक में कौन सी, कौन सा शब्द है उसको बताना है। तो तक कैसा है, निपात है। तक क्या है,
निपात है। निपात किसे कहते हैं? निपात को एक प्रकार से हम अव्यय भी कह सकते हैं। इस पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता है। ये 9 प्रकार के होते हैं। निपात के कितने भेद होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पूछा गया प्रश्न है, किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो निपात के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कह रहा है कौन सा शब्द ऐसा है जो कि पुल्लिंग है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें लगन, मीमांसा, आहट, माधुरी, आपको बताना है कौन सा इसमें पुल्लिंग है। माधुर्य शब्द जो है ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है। इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित करिए। आपको इसमें से चयनित करके बताना है कि एक ही पुल्लिंग है और उसे आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। ऐसा कई बार पूछा गया, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा पुल्लिंग है। पानी, पानी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब जो मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों हैं, तो उसे बताना उभयलिंगी, जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। डॉक्टर है, विद्वान है, अभिनेत्री है, गायक है। देखिए उभयलिंगी आपको बताना है उभयलिंगी कौन सा है। अब किसी डॉक्टर को आप बुलाते हैं, चाहे वो महिला डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर हो, उसके लिए आप कौन सा शब्द लगाते हैं? डॉक्टर लगाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए पीएम, चाहे महिला पीएम हो चाहे पुरुष पीएम, सीएम, डीएम, ठीक है, ये सब पद जो हैं कैसे पद हैं, जो आपके उभयलिंगी पद माने जाते हैं। आगे, अब यहाँ पे विद्वान दिया, विद्वान का उल्टा क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक है, गायिका होता है, और इसका अभिनेत्री का अभिनेता होता है। ठीक है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कह रहा वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। अब कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं, आपको इसका आंसर करना है कौन सा जोड़ा सही नहीं। वचन की दृष्टि से सखी सखियां जोड़ा सही नहीं है, इसका शुद्ध रूप है सखी सखियां। ठीक है, सखियां लिखा गया है इसमें, अगर आप देखेंगे तो मात्रा की अशुद्धि पाई जाती है सखी सखियां में, सखियां होगा, सखियां नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? कह रहा है सामान्य भूतकाल का वाक्य है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो भूतकाल तो है लेकिन सामान्य भूत है, इसे आपको बताना है। वर्षा हुई, दूसरा शायद वर्षा होगी, ये तो नहीं होगा। ठीक, वर्षा कभी कभी हुई, नहीं, कुछ समय पहले वर्षा हुई, नहीं, वर्षा हुई, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, जो कि भूतकाल का सामान्य भूत का परिचायक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? कह रहा है कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि कर्मवाचक का उदाहरण है, आपको इसको आंसर करना है कर्मवाचक का उदाहरण। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, शीला ने पढ़ा भी नहीं, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो ये जो है आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे अपादान कारक है। अपादान कारक कहाँ आते हैं? जहाँ विभक्ति होती है, मतलब दूर जाने की, मतलब अलगाव होता है, सीधे सीधे कहें जहाँ पर अलगाव होता है, वहाँ पर से शब्द अलगाव के लिए आता है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, या गंगा नदी, पर्वत से नदियाँ गिरी, तो अलग होने के संदर्भ में अगर बात होती तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? कह रहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, आपको बताना है। तो आचार्य किशोरीदास के हिसाब से हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। आचार्य किशोरीदास के हिसाब से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे हम कारक कहते हैं। आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम का जब किसी दूसरे से विशेषता क्रिया से दिखाई जाती है, तो उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। सही कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हमको बताना है कारक कितने हो जाते हैं?
छह प्रकार के हो जाते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, कह रहा कौन सा शब्द है जो रूढ़ है, रूढ़ शब्द हमको बताना है, रूढ़ शब्द, तो आप बताइए रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपको इसका आंसर करना है, यहाँ पे नाक जो है कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, नाक कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, आपको ये बताना कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है, तो आपको इनको बताना है तत्सम नहीं है, तो आप बताइए कौन सा शब्द है। सिंगार, सिंगार तत्सम तब नहीं है बल्कि तद्भव शब्द है, और सिंगार का ओ श्रृंगार होता है, जो कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, कई बार लिखने के लिए भी देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार कहते हैं, जो इसका तत्सम शब्द है। बाकी दधि, दही का होता है, उष्ट ऊंट का होता है, चक्षु नेत्र का होता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी का तत्सम है, आपको बताना है अंगीठी का तत्सम है कौन सा शब्द ऐसा है जो अंगीठी का तत्सम है। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका आपको याद रखना होगा कैसे लिखा गया, इसको ध्यान से देखिए, चूँकि देखिए सब अग्निष्ठिका अग्निष्ठिकी ही दिया गया, तो अग्निष्ठिका आपका शुद्ध शब्द है, और इसको देखिए कैसे लिखा गया है, ऐसे ही लिखना होगा। तिक्त शब्द का तद्भव है, तिक्त का शब्द का तद्भव आपको बताना है, तिक्त का क्या होता है, तीता होता है, तिक्त का क्या होता है, तीता होता है, ठीक है। लास किस भाषा का शब्द, कह रहा है लास किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है लास किस भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया है, तुर्की शब्द है। लास किस भाषा का शब्द है, तुर्की शब्द है, तुर्की शब्द में और शब्द है जैसे कि कैंची है, कालीन है, चेचक है, बेगम है, ये सब कैसे शब्द हैं, कैंची, कालीन, बेगम, ठीक है, चेचक, ये सब कैसे हैं, जाजिम, ये सब कैसे शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्दांश जो अंत में, अंत के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको ये बताना है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, अब बाद वाले बताना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आनी, सावधान में आनी लग गया तो क्या हो गया, सावधानी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, हम इसमें आपका अगला प्रश्न है, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का आपका विलोम बताना है, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या होता है, आग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, एक सेकेंड, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, कह रहा है अनाज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अन्न होता है, गल्ला होता है, धान्य होता है, सस्य होता है, तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया है सस्य दिया गया है, सस्य, अन्न, गन्ना, अनाज, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अनाज के पर्यायवाची हैं, तो ये सस्य होता है, सही आंसर क्या है, सस्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सही आंसर सस्य। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, कह रहा अनेकार्थक शब्द का चयन करके आपको बताना है कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी है, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है अंग दिया गया है, अंग का अर्थ होता है, अंग का मतलब होता है भेद, पच, टुकड़ा, शरीर का हिस्सा, अवयव, बचा हुआ हिस्सा, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो अंग होगा, ठीक है। कुछ शब्द युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है, कह रहा है युग्म शब्द दिए गए हैं इसमें कौन सी जोड़ी सही है, आपको ये बताना है कौन सी जोड़ी सही है, तो इसके लिए अचल अचला, कौन सी जोड़ी सही है, अचल अचला ये सही जोड़ी है, बाकी सभी गलत हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, फिर से मान लो रिपीट हो गया, जिसमें जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला, अवस्था के लिए एक शब्द बताइए, मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द बताइए, अनेकार्थी शब्द का है, एक शब्द आपको बताना है एक आर्थिक शब्द में, एक मरणासन अवस्था के लिए कौन सा, मैमर्थ, कौन सा है, मैमर्थ। और दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से पर जो सब पर मेल से परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं,
तो उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से क्या होता है? संधि। और दो शब्दों के मेल से क्या होता है? समास होता है। बालोचित, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या है। बालोचित शब्द का, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बाल धन उचित, बाल धन उचित होगा। यहाँ पे गुड़स्वर संधि है। नियम के अनुसार यदि आ और आ के बाद ई और उई आए तो वहाँ पे भी ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? बालोचित। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उस समास को हम क्या कहते हैं? आपको आंसर बताना है कि उस समास को हम क्या कहते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विग समास कहा जाता है। आंसर कौन सा हो सही होगा? द्विग समास। और मिश्र वाक्य है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा पट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। आपको इसमें बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, एक कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे जल्दी घर जाना था, उसे जल्दी घर जाना था। दूसरा है मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो आपको उचित शब्द बताना है कि इसमें उचित शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द आपको बताना है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पिता ने मेरे से कहा, ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। वाक्य में त्रुटियाँ हैं, आपको वाक्य में त्रुटियाँ बतानी है कहाँ पे हैं, जिसे आपको बताना है कहाँ पे कौन सी त्रुटियाँ हैं। तो इसमें नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ठीक, नियंत्रण किया नहीं बल्कि नेतृत्व किया। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष में हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आपको इसका आंसर देना है तो राजा राममोहन राय ने। किसने सुझाया? राजा राममोहन राय ने। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपको ये बताना है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं, आप इसका आंसर दीजिए। तो अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो आपको बताना है किसका विचार होता है वर्णिक छंदों में, तो आप बताइए आंसर कौन सा सही होगा। वर्णिक छंद है तो वर्ण की ही बात होगी। वर्णिक छंद में किसकी बात होती है? वर्णों की बात होती है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उन्हें कैसे जाना जाता है? सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, इसे आपको बताना है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? अलंकार, जो एक सब काम करते हैं सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अध्याय में कौन सा अलंकार है? तो आप बहुत दिन से जानते हैं कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कनक जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या होता है आपको ये बताना है, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। इन कथनों के साथ उनके अलंकार को सुमेलित कीजिए, इन कथनों के साथ उनके अलंकार को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना? अपहृत अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अपहृत अलंकार है। देखिए इधर लिखा गया है, इसको इधर चाहिए था, यहाँ चाहिए था इसको, ठीक है। ये कौन सा अलंकार? अपहृत अलंकार है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। इसका आंसर कौन हो गया? ए वाला, ठीक है। वह आदमी नहीं हैवान है, अपहृत अलंकार है। वे तो मानो देवता हैं, मन मानो जन जानो, जहाँ आता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वे तो मानो देवता हैं, कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं यह नहीं, यह उसकी चाल तो नहीं है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, कौन सा है? भ्रांतिमान। यहाँ पे हमको क्या हो गया? भ्रांतियाँ फैल गई।
और आप तो साक्षात इंद्र हैं। इसमें विरोध हो रहा है कि कोई व्यक्ति इंद्र नहीं हो सकता, लेकिन हम उसकी तारीख में इंद्र कह देते हैं, तो एक कौन सा हो गया विरोधाभास अलंकार है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंडी के तीन होना, घमंडी के तीन होना का अर्थ आपसे पूछ रहा है क्या होगा, आपको अर्थ बताना है। घमंडी के तीन होने का अर्थ बताना है आपको कि घमंडी के तीन होना बहुत सस्ता होना, घमंडी के तीन होना बहुत सस्ता होना, मुख की खाना, परास्त होना, परास्त होना किसका अर्थ है, मुख की खाना, और यहाँ पे मर जाना, मर जाना किसका है, काल की गाल में जाना, काल की गाल में जाना या काल की कोठरी में जाना, मर जाना, ठीक। ध्वस्त हो जाना, ध्वस्त हो जाना किसका है, ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त हो जाना, ठीक है। तो आपका आंसर सही जो है वो कौन सा है, बहुत सस्ता होना। अगला है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ आपको बताना है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, लालच देकर उल्लू बनाना, पहला वाला। तो इस प्रकार से ये थे आपके 50 से 52 प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है UPSSC के किसी भी एग्जाम के लिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए सूचना के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।